हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कनीना, फिलहाल डाइना है और फाटक बंद है, अभी ट्रेन आएगी। आज थोड़ी फार्म के लिए बात करके आने, चिक्स की, तो उसके लिए जा रहे हैं, चिक्स के लिए बात करने। और हो सकता है भिमानी भी जाना पड़ जाए, अपने एक साथी है उसके पास जाना पड़ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं, कॉल करके उठा लेता ठीक, नहीं तो उसके पास जाएंगे, कॉल नहीं उठेगी तो फिलहाल कनीना जाके और अपने चिक्स की बात करेंगे, चिक्स कब आएंगे फार्म के लिए। और फिलहाल वेट कर रहे हैं ट्रेन का, कि ट्रेन आए फटक खुले फिर यहाँ से चलें। देखो कितनी देर में आती है ट्रेन। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है, काफी देर हो गई ट्रेन का वेट करते करते। तो आ गए ट्रेन और अब फाटक खुलेगा तब चलेंगे यहाँ से। सो ट्रेन जा चुकी है और अब फाटक खुलेगा, और बाइक वालों को कोई सबर नहीं रहता, खुलते ही देखना कैसे टूटने पड़ेंगे। जा चुकी है और फाटक नहीं खुला अब तक। खुल गया, हो खुल गया खुल गया। और ये मारकाट चालू हो गई अब। ये देखो भाई साहब, एक और पीछे, ये और इसके पीछे एक गाड़ी और। अरे हम भी जा रहे हैं भाई, पर सबर नहीं है किसी को भी, एक मिनट का वेट ही नहीं कर सकता कोई। आगे टेम्पो आ रहे हैं, अब रोकनी पड़ेगी इसको, ना रोके भाई। सबर नहीं है दुनिया के भाई, एक मिनट का वेट कर ही नहीं सकते कोई। एक मिनट साइड हम लेके चल रहे, आफत की तरह चलते हैं सब, वेट तो करना ही नहीं। और ये है ढाइना की मार्केट, छोटी सी मार्केट। और ये मुड़ गए अब नारनौल ना, सॉरी रेवाड़ी कनीना का रास्ता, कनीना के साइड चल दिए। तो कनीना पहुंच गए यहाँ भी, तभी अपने उससे मिलेंगे भाई से और साथ करेंगे बातचीत कि कैसे क्या रहेगा सिस्टम। अभी फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है फोन, रेड हो गया होगा फोन। तो फिलहाल फोन तो दुकान पे चल रहे हैं, उसके घर में दुकान पे चल लेते हैं, हो सकता है शॉप पे हो, फिर वहां जाके मिलते हैं। अभी कनीना की एंट्री कितनी बकवास है, रोड ही टूटा पड़े। हम एग्जिट करते हैं तो भी, एग्जिट हो तो भी और एंट्री हो तो भी, हाल बुरा है। आगे सारे रोड बढ़िया है, सिर्फ एंट्री करो या फिर एग्जिट करो, दोनों साइड टूटे पड़े। और दुकान पे आ गए, अभी मिलते हैं, यहाँ है या नहीं। फिलहाल शॉप पे तो है नहीं और फोन उसका बंद आ रहा है अभी भी, तो अब उसकी फैक्ट्री में जा रहे हैं, फैक्ट्री में जाके मिलते हैं, नहीं मिला तो सांग हो जाएंगे, आना वेस्ट हो जाएगा। वेट कर लेंगे थोड़ा फैक्ट्री। अरे भाई फिर वहां पे जाना है भिवानी, वहां के लिए लेट हो जाएंगे यार, वहां से वापस आना है। आप तक मिल लेंगे भिवानी से और क्या। हाँ ये भी काम हो सकता है। तो फिलहाल कनीना में जो काम तो कर दिया अभी, और अभी जा रहे हैं भिवानी। तो फिलहाल जा रहे हैं, फिलहाल पहुंचने वाले हैं दादरी। तो ये बोर्ड आ गया चरखी दादरी का, और बाइक वाह नगर परिषद। तो ये चरखी दादरी आ चुका, तो फिलहाल काफी गांव क्रॉस कर करके हाईवे पे आ गए, और अब आराम से चल रही गाड़ी।
80 रोज का रखे, रोज का रखे। और कई ऐसे आ जाते बीच में आंसू के सामने जो रेस लगाने शुरू कर देते है, और हम रेस लगाए तो गाड़ी यार तोड़ती है पानी की तरह। 30 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर दिखाई, 60 किलोमीटर चल रहे थे, एक बार रेस कर दे सीधा 20 पे आ जाती है, एक दो किलोमीटर चलते ही 30-40 किलोमीटर सीधा तोड़ देती है। रेस में तो यही है ना भाई, 120 का पता नहीं, 30 का पता नहीं, 40 का पता नहीं, पावर पूरी देनी पड़ती गाड़ी को। फिर वही है, आवाज कर नहीं रहे हम, जाओ आराम से चल रहे आज, बिल्कुल क्रूज करके छोड़ रखे आज। सुने 60 पे 70 पे 80 पे क्रूज करके छोड़ रखे है और चल रहे आराम से हाईवे पे। तो भिवानी यहाँ से कितना बच रहा भाई? 21। तो यहाँ से भिवानी बच रहा 21 किलोमीटर। तो आपसे मिलते हैं भिवानी। फिलहाल पुलिस चेक कर रही है गाड़ी को, ये कुछ है तो नहीं। तो फिलहाल पुलिस ने एक मजाक कर दिया हमारे साथ, रोक के गाड़ी चेक कर ली। अब कुछ हम हिमाचल प्रदेश, ठीक है, नोएडा, हिमाचल प्रदेश नोएडा, जैसलमेर और अभी वैष्णो देव वगैरह सब होके आ गए। पुलिस ने नहीं रोका और लोकल पे रोक लिया चेकिंग के लिए, चेकिंग करनी है। पता लगता है किसी ने कोई वारदात कर रखी है कुछ, तो हो सकता है भाई। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, हमने करवा दिया, हाँ कोई दिक्कत की नहीं। वो एक बार चेक कर छोड़ दिया बस, सर भाई जाओ सर। और सर खिदा दिल में चेकिंग हो जाओ, इतनी दूर दूर तक यहाँ चेकिंग हुई। चलो भाई ये अपना काम कर रहे थे, ठीक है। हाँ इनका भी काम था, बेचारे धूप में खड़े। हाँ बोला बिल्कुल प्यार से था कि भैया चेक कर, गाड़ी चेक करा दो सर, मुझे कर लो। हम भी उतर गए आराम से, हम डिग्गी खोल दी, डिग्गी तो वैसे नहीं है इसके, बैग रखा था छोटा सा, उसमें वो थे टोचन करने के स्ट्रैप्स पड़े 2-3। तो बोले सर इसमें क्या है, सर देख लो दिखा के। अच्छा ठीक है, पहली बार जब से गाड़ी लिया भी किसी ने नहीं रोकी, पहली बार गाड़ी रुकी है, जाते कभी कभी। तो ये आ गया टोल, टोल गेट। I'm alone, I'm alright, it's so cold outside. ये देख, तो ये गाय होती है एकदम से आ जाती है, आगे दिखाई भी नहीं देता, आगे कुछ गाड़ी हो उसके साइड से निकल के आती है और एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। इधर 3-4 बार आ चुकी, बहुत ज्यादा इधर तो हमारे उस साइड इतना तो नहीं है, पर यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ के बंदे गौशाला घुमा जाके चंदा मांगते हैं, कल भी आए थे चंदा मांगने के लिए, फिर भिवानी से आए हैं, वहाँ गौशाला है ये। अरे यहाँ गाय घूम रही है गौशाला में, डालो ना इनको बेचारियों को। तो कल आए थे चरखी दादरी के चंदा लेने के लिए और यहाँ गाय यूं ही घूम रही है। अरे सब पैसे खाते हैं, कोई भी ढंग से काम नहीं करता। 2 साल होगी जो बड़े प्रॉपर तरीके से काम करने, तो सब वैसे ही लेते रुपए, मांगने वाले वैसे आते। और ये आ गया भाई साहब, अंकल जी तो देखना रे, अब गाड़ी भी आ रही है, सूट बांध रखी है बस। अरे किसी के भिड़ जाओ तो बहन जी गलती हो जाएगी बड़ी गाड़ी वाले की, यूं ना देखें छोटे वाले गलती रहती है। तो आ गया चौक, इस चौक के पास ही घर है उसका।
चौक से थोड़ा सा पहले लेफ्ट में मुड़ते। अरे विश्वास तूने ना लिया यहाँ से ले लो अकेले होगा चल अब आगे ही आगे जाम से। अरे वो गाड़ी भी खड़ी है इस साइड क्रेटे वाला खड़ी करके आ गया ये देख क्रेटे वाला खड़ी करके चला गया यहीं पे ही। और ये ऑटो वाला ये लोग बाग जाम लगवाते हैं। अब पुलिस भी नहीं है पुलिस भाई उस साइड खड़ी ये भाई साहब। और यहाँ भी गाड़ी आ रही है स्विफ्ट मगर ले ले भाई आगे यार बड़ा सोच सोच के ले रहा। और सामने रहा घर वो खड़ी ब्लैक गाड़ी 777777 भाई ये खड़ी पजेरो यहीं खड़ी रहती है पजेरो कभी कभी जाती होगी आंध्र प्रदेश में खत्म। तो फिलहाल दोस्त से मिलके और चल दिए भिवानी से वापस अपने घर की साइड डलवाएंगे डीजल क्योंकि ये दिखाएगी फ्यूल डिफिशिएंस 0 कुछ नहीं है नहीं कुछ भी बिल्कुल ब्लैंक। तो अभी पेट्रोल पंप आएगा आगे तो डलवाएंगे इसमें थोड़ी देर पहले आंसू को भूख लग रही थी अब इसको भूख लग गई तो इसकी भूख मिटाएंगे। और ये रोड इस साइड का नया बनेगा सारा फाट रखा है मशीन से। तो ये देखिए जेसीबी फाड़ रही है रोड को जो डिवाइडर के पास बचा हुआ है ना डिवाइडर के पास बचा सारे को फाड़ रही है जेसीबी ईंट वगैरह है इनको इस साइड की ईंट वगैरह इनको सबको फाड़ रही है। जैसे ये ईंट रही ये तो यही रहेगी ये ईंट फाड़ रखी है इस तरह फाड़ रही है जेसीबी फाड़ रही है ईंट। तो ये देखिए गाइस पीछे वाले टायर में जो स्टेपनी लग रहा है उसमें एयर प्रेशर ज्यादा हो रही है रेड हो रहा है टायर 43 PSI हो रही है तो उसकी थोड़ी हवा निकालते हैं धूप में खड़ी थी ये तो अब निकालते हैं इसकी गैस थोड़ी हवा निकालते इस टायर की अभी तो आंसू निकाल रहा अभी हवा हो गई सही तो उसमें सही हो गई या नहीं 39 नहीं हुई है भाई अभी और निकाल। तो ये देखिए टायर प्रेशर बिल्कुल सही हो गया पीछे वाली स्टेपनी में भी धूप में खड़ी थी उसकी वजह से हो गया था हाँ गर्मी थी गर्मी की वजह से धूप में खड़ी थी उसकी वजह से टायर प्रेशर बहुत हाई हो गया था। देखिए गाइस ये रोड देखिए ट्रक वालों ने कितना बुरा हाल कर दिया है यहाँ से ये देखिए पानी कैसे बह के जा रहा है वापस रासू ले रहा है यहाँ से अब ऊपर से उस साइड रोड कितना नीचे है बैठा दिया रोड मतलब। और ये देखिए यार क्यों ना तो बाहर दिखा अब ये देखिए यहां से उतारेंगे नीचे ओ भाई क्या गजब का टूटा पड़ा है रोड हमारी मजबूरी इधर इसलिए है कि हमें जाना होता है इसी रास्ते पे कोई काम ये देखिए किसी बंदे से मिलना है नाम चले जाए हाईवे हाईवे 152 से कितना बुरा हाल है रोड का कितना बुरा हाल है इसका। बारिश में तो बुरा हाल हो जाता होगा भाई यार यहाँ ही बुरा हो जाता होगा बारिश के टाइम में तो ये क्रॉस करना
महाभारत रहता होगा बाइक वालों के लिए तो। अरे ये तो मिट्टी विट्टी गिरवा रखी है रोड से, देखिए कितना ऊंचा। हाँ, मिट्टी गिरवा रखी है तभी है, ऊंचा उठा रखा तभी पानी भर जाते, ट्रक वालों ने बिठा दिया। सारा शरीर इधर उधर कर दिया, पचा दिया, खाया पिया थोड़ा जो खा के आए थे, जगह बना दी पेट ने, पेट में जगह बना दी, मतलब इतना टूटा पड़ा था रोड। नॉर्मल गाड़ी हो नीचे काटता तो जा ही ना पाए, फट जाए उसका तो नीचे से, वरना जैसी हो गई रेडिएटर वगैरह सब फट जाए। हाँ, वरना जैसी हो गई या फिर स्विफ्ट हो गई, ये तो फट ही जाए। छोटी गाड़ी कोई लगा, हाँ छोटी गाड़ी कोई, सारी फटे। हमारी तो मजबूरी है इसलिए यहाँ से आना पड़ रहा है कि इसे मिलना इस साइड, नहीं तो आई भाई वैसे ही आते हैं। मिल के गए थे, अभी भी हाँ, अभी मिल के जाएंगे, नहीं तो आई भाई वैसे ही आते हैं। तो ये देखिए पीलवान में बंदर रोड के बीच में कैसे बैठे, एक कुत्ता और ये रोड से हट नहीं रहे, आराम आराम। चलो भाई काम हो चुकी है, 6:07 और अभी आधा घंटा, एक 45 के मतलब एक घंटा लगे, घंटे करीब और लगेगा अभी तो 8 के करीब या फिर 7:45 के करीब तक पहुंचेंगे घर पे। और अभी फाटक खुला मिल गया, तो फाटक बंद मिला तो फिर 15-20 मिनट और गई, वही 8-10-15 पहुंचेंगे। शीशा इतना गंदा हो गया, पूछो। हाँ शीशा हो गया, ये छोटे छोटे से दिख रहे मच्छर ही मच्छर चिपक गए इस पे, बहुत ज्यादा मच्छर चिपक गए। और वो सर में पानी है नहीं कि शीशा साफ कर सके, खत्म हो गया। और ध्यान रहा नहीं पानी डालना, कोई ढाबा वगैरह आगे कभी ढाबा आएगा आगे तो इसमें वो सर में पानी डालेंगे फिर शीशा साफ करेंगे। और यहाँ गायों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है और इनके हटाने वाले वागे रहते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं कि गायों को हटा दे एक साइड कर दे ताकि गाड़ियों को दिक्कत ना हो आने जाने में, कोई मतलब नहीं, आगे आगे चलते हैं बस, आगे आगे गाय हटा देते, पीछे वाले तो यूं ही चलती हैं, बंदा खुद बचाए तो बचाए, तो कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल पानी डाल रहे हैं यहाँ, तो यहाँ ढाबे से लिया पानी डालने गाड़ी में, वो सर में और लाओ पानी, साफ झपा झप झपा झप जम जम, तो साफ हो गया शीशा काफी। तो ये कड़ी ना पहुंच गए अभी, धूल ही धूल, धूल ही धूल, कुछ दिख भी नहीं रहा, इतनी बुरी धूल, पूरी धूल है, रास्ता ही बहुत खराब है यहाँ का, स्टार्टिंग का घुसने का। तो इस भाई स्टंटमैन को देखना अभी, ये देखिए खड़े कट मार रहे हैं, गजब के कट, दो बार तो इतने भयंकर मार रहे हैं कि मतलब ट्रक के बिल्कुल जड़ में जाकर फिर एकदम से कट मार रहे हैं, जाके तो साइड ले रहे। ये देखिए सामने बादल सा, मिट्टी है, धूल धूल है, ये मिट्टी नहीं है, गेहूं निकल रहे उनका वो धूल है, धूल सा जो टूटा जोड़ता है वो चीज है, ये कुछ दिखाई नहीं देता ऐसे। बाइक वाले को बहुत बुरा हाल है, बाइक वाले को बगैर हेलमेट के रहे तो बुरा हाल है, हेलमेट रहे तो भी तो साइड में घुस जाती है, हाँ सांस नहीं लिया जाता यहाँ पे। डाइना क्रॉस कर लिया है, हाँ डाइना क्रॉस कर दिया फिलहाल, तो मंदोला आएगा, मंदोला के बाद खोल, खोल के बाद कुंड, और कुंड के बाद मनेठी, और फिर हमारा घर मनेठी में। ये देखिए अगर इनके पीछे गाड़ी रहती है तो कितना बुरा हाल हो जाता है, और रेडिएटर में कितना ज्यादा ये कचरा घुसता होगा गाड़ियों के पीछे, और बाइक वाले चले तो उनको कितनी दिक्कत होती होगी जो हेलमेट ना पहनते हो, हेलमेट ना हो तो भी कपड़ों में तो घुसता होगा ये, और खुजली बहुत चलती है, अगर थोड़ा इन पे कपड़ा या फिर पलट लगा ले तो उड़े ना ये,
दिक्कत ना हो किसी को, और रोड पे बखेड़ जाते हैं, रोड गाड़ियां चलती उनका उनसे भी धूल उड़ती रहती है। ये गाड़ियों वालों की इतनी दिक्कत नहीं है, पर बाइक वालों को बहुत दिक्कत होती है। तो इस चीज को सही करना चाहिए, समझना चाहिए। तो घर पहुंच गए हैं आप अपने, 7:52 हो गए, 8 बज गए। तो ये खड़ी अपनी एक्सयूवी 500, और अब यहाँ खड़ी कर देते हैं। तो ये आ गए घर पे, तब हमारे कुंजी बोल रहे, जोर जोर से बोल रहे घर आते सब ज्यादा खुश होता है ये। कहाँ गया? ये आ गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट करें। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। चलो।